फ्रेंड्स, आई एम हार्दिक सेठा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन में जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.15 से। तो यहाँ पे आपको दिया गया है द सेलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल। समझना, ऊपर का स्टेटमेंट है वो अलग है, ऊपर का जो स्टेटमेंट है उतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको निकाल ही देते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सेलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। ओके, उसके बाद क्या कहा गया है? व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट कैन बी दैट अ बॉल थ्रोन विथ अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सेलिंग ऑफ द बॉल। ठीक है, आपको मैक्सिमम रेंज मतलब डिस्टेंस कहा गया ना, मतलब रेंज कितनी कवर हो सकती है, मैक्स टू मैक्स कितनी रेंज कवर हो सकती है। तो समझना कि सपोज ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो पहले समझो। ऐसा कोई एक हॉल है, ठीक है, जिसकी हाइट फिक्स है 25 मीटर, जिसकी हाइट फिक्स है, इनिशियल वेलोसिटी भी आपको फिक्स रखनी है। अब डिपेंड करेगा एंगल पे कि आप कौन से एंगल पे थ्रो करो। सपोज़ कोई एक ऐसे एंगल पे थ्रो करे तो यहाँ तक आप जा सकते हो, उससे ज़्यादा एंगल पे थ्रो करे यहाँ तक जा सकते हो, उससे ज़्यादा एंगल पे थ्रो करने की ट्राई की तो ये टकरा जाएगा। अब ये यहाँ पे कोलाइड हो जाएगा तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होगी ही नहीं, तो जस्ट यहाँ से पास हो जाए वैसा कुछ आपको करना है। मतलब वो जो मोशन है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, तो दो तीन रास्ते हैं हमारे पास और एक शॉर्टकट भी है, ठीक है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसी की हेल्प से आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम हाइट कौन सी कवर होनी चाहिए, मैक्सिमम हाइट है वो 25 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड और आपको रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हाइट का यूज़ करो, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइड बाय 2g। यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब ये h इक्वल टू आपको दिया हुआ है 25, यहाँ पे v नॉट मतलब 40 होल स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइड बाय 2 इंटू g की वैल्यू रख दो 9.8, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 0.5534, साइन थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 0.5534। अब क्या किया जाए, तो अभी हम रेंज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलो रेंज r के लिए क्या करोगे, तो v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट डिवाइड बाय g। अब यहाँ तो हमारे पास साइन थीटा है, तो साइन 2 थीटा कैसे निकालें, तो दो तरीके हैं। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल दो, जो कि आप नेचुरल साइन की हेल्प से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 33.60 डिग्री आपको मिलेगा। और यहाँ पे 33.60 रख दो, इंटू 2 कर दो, ठीक है, 33.6 इंटू 2 कर दो तो 67.2 डिग्री मिल जाएगा, उस चीज़ के लिए आपको साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
और ये नहीं करना है तो साइन टू थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो थीटा की वैल्यू मिल गई हमें 33.6 डिग्री अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, और ये कहाँ से ढूंढनी है, तो नेचुरल साइंस का टेबल होगा, लॉग टेबल आप लोगे जिसमें नेचुरल साइंस का टेबल होगा, और नेचुरल साइंस का अगर टेबल है जिसके अंदर आपको जाना है ये वैल्यू के नज़दीक, आपको ये वैल्यू ढूंढनी है, बहुत सारी वैल्यूज़ होगी उसमें, ये वैल्यू ढूंढ निकालनी है 5534 के आसपास। ठीक है, उसमें इधर देखोगे आपको मिलेगा 33 डिग्री, ऊपर देखोगे आपको मिलेगा 0.6 डिग्री के आसपास कोई नंबर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, चलेगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर चलेगा, बट ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? ओके, यही वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 40 स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट, और 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 67.2 डिग्री डिवाइड बाय जी की वैल्यू है 9.8, तो यहाँ पे 1600 इंटू 67.2 डिग्री कैसे निकालोगे, तो फिर से जाओगे नेचुरल साइंस में, फिर से जाओगे नेचुरल साइंस में, और यहाँ पे आप देखोगे 67 डिग्री, इससे आगे बढ़ो और 0.2 डिग्री पे नीचे आओ, 0.2 डिग्री नहीं है तो 0.3 डिग्री के आसपास होगा, 0.6 हो सकता है। ठीक है, तो 67 डिग्री पे आपको इधर नज़दीक में ही वैल्यू मिल जाएगी, और ये वैल्यू होगी 0.922 के आसपास, 0.922 और डिवाइड बाय कर दो 9.8। जिन लोगों को लॉग टेबल समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार कांटेक्ट कर लो ताकि पता चल जाए। ठीक है, और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, जिन लोगों को लॉग टेबल समझ में नहीं आता है वो एक बार कांटेक्ट कर ले। चलो यहाँ तक क्लियर है, ये एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.16। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज आपको दी हुई है और ये है 100 मीटर। हाउ मच हाई अबोव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। ठीक है ना, मतलब हाइट कितनी है अगर मैं डायरेक्ट उसको प्रोजेक्ट करूँ अपवर्ड डायरेक्शन में तो। ठीक है, सिंपल सी बात है, आर मैक्स की हेल्प से इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लो, तो आर मैक्स इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय जी, है ना, तो आर मैक्स इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय जी, तो आर मैक्स कितना है 100, वी नॉट स्क्वायर पता नहीं, जी की वैल्यू 9.8, है ना, तो 9.8 अगर आपको पता है तो 9.8 इंटू 100 और उसका रूट कर दो, तो वी नॉट स्क्वायर आपको मिल जाएगा 98, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आपको मिली 98। अब क्या करोगे, तो अभी हमें फाइंड करना है एच। ठीक है, तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन की बात करो, समझो कि जो इंसान ऐसे क्रॉस में 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई चीज़ को प्रोजेक्ट करता है तो यहाँ तक भेज सकता है, ये हो गई मैक्सिमम रेंज आर मैक्स। तो अगर उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके तो मैक्सिमम हाइट कितनी गेन हो सकती है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ले रहे अपवर्ड मोशन। अब अपवर्ड मोशन के लिए फॉर्मूला है 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ओके, 2 एक्सेलरेशन है वो माइनस जी, हाइट है वो एच, वी नॉट स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी बनने वाली है 0, और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब वी नॉट स्क्वायर है वो 98 है यहाँ पे। ओके, तो 2 इंटू 9.8 इंटू एच इज इक्वल टू 9.8, दोनों तरफ नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, तो एच इक्वल टू, सॉरी ये 98 है ना, तो एच इक्वल टू क्या मिलेगा, टेन डिवाइड बाई
तो यहाँ पे आएगा 5। बट यहाँ पे एक देखो छोटी सी मिस्टेक हो गई है, 9.8 इंटू 100 करेंगे 980 होगा ना, तो यहाँ पे भी 980, यहाँ पे भी 980, अब देखोगे 50 मीटर आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, 9.8 इंटू 100 980 होगा और वो वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। क्लियर, तो h इक्वल टू मिल गया आपको 50 मीटर। एक और क्वेश्चन है देख लेते हैं, अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज विल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखो यहाँ पे जो लेंथ है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वो क्या बन जाएगी, रेडियस। ठीक है, मतलब जो लेंथ है वही हो गई रेडियस। तो रेडियस इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, मतलब 0.8 मीटर। ओके, इफ द स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, तो देखो ओमेगा अगर मुझे फाइंड करना है तो वो मुझे मिल रहा है 14 रिवोल्यूशन पर 25 सेकेंड। तो 14 रिवोल्यूशन के लिए रेडियन कितना बनेगा, 2 पाई, और नीचे 25 सेकेंड है ही, तो ये मुझे आंसर मिल गया रेडियन पर सेकेंड में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, हमें क्या फाइंड करना है उसका एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू रख दोगे आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर आपका आएगा 9.91 अप्रोक्सीमेट, 9.91 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा और आर दोनों की वैल्यू आपके पास है, सिर्फ वैल्यू रखोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, और डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, तो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, मतलब टूवर्ड्स दी सेंटर एट ऑल पॉइंट्स। सर्कुलर मोशन में हर एक पोजीशन पे, सपोज ये पोजीशन है तो एक्सेलरेशन आएगा टूवर्ड्स सेंटर, मतलब इस तरफ, ये पोजीशन है तो टूवर्ड्स सेंटर मतलब इस तरफ, ये पोजीशन है तो टूवर्ड्स सेंटर मतलब इस तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए आपको वर्ड्स में लिख देना है, सिर्फ इतना लिख दो डायरेक्शन ऐसे करके, डायरेक्शन लिख दो टूवर्ड्स दी सेंटर, टूवर्ड दी सेंटर। ठीक है, चलो अभी दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक साथ करते हैं, 4.18 4.19। तो 4.18 देखते हैं, 4.18 का सॉल्यूशन देखते हैं, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। चलो रेडियस कितना है, 1 किलोमीटर, विथ अ स्टेडी स्पीड ऑफ 900, स्पीड कितनी है 900 किलोमीटर पर आर, कंपेयर इट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इसका एक्सेलरेशन है वो हमें कंपेयर करना है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पता है, तो ये आंसर हम लेके आते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये हो गया 1000 मीटर, और ये 900 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 कर दो तो आपको मिलेगा 250 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन को हमें कंपेयर करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, ये पूछा है। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, और ये हमें पता है वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और जी तो एज इट इज रखेंगे क्योंकि ए सी इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, इतना तो हमने ए सी की जगह पे लिख दिया, जी हमने एज इट इज रख दिया। ओके, तो वी क्या है 250 होल स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाय क्या है 1000 इंटू जी की वैल्यू रख देते हैं 9.8, तो यहाँ पे 6.38 आंसर आएगा।
मतलब वो प्लेन का जो एक्सेलरेशन है वो 6.38 टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है। ओके अभी देखते हैं 4.19 का सॉल्यूशन। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये आपको लिखना खुद से है, ये आपको खुद से लिखना है, बट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो ए से स्टार्ट करते हैं। द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टूवर्ड्स द सेंटर। नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं बोला गया है, ठीक है ना, तो समझना ये जो है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज होता है टूवर्ड्स द सेंटर बट ओनली फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे अगर स्पीड की वैल्यू जो है या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, अगर वो चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन टूवर्ड्स सेंटर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि द स्टेटमेंट इज फॉल्स, और रीजन लिखना है तो द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज नॉट ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टूवर्ड्स द सेंटर, इट हैपन्स ओनली इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रीजन में क्या लिखना है, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन is not always directed along the radius of the circle towards the center. It happens only in the case of uniform circular motion. B देखते हैं, the velocity vector of a particle at a point is always along the tangent or to the path of the particle at that point. हाँ ये सही है, ठीक है, तो यहाँ पे तो रीजन में भी आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर पाथ अ पार्टिकल अपीयर्स टू मूव टेंजेंशियली टू द सर्कुलर पाथ। ठीक है, थर्ड देखते हैं, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर। ट्रू, कैसे, तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, हाउएवर इट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विद टाइम, द एवरेज ऑफ दोज वेक्टर्स ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर। कैसे, समझो यहाँ पे देखोगे ना, ये सपोज सर्कल है, हर एक पोजीशन पे एक्सेलरेशन है वो कौन से डायरेक्शन में, टूवर्ड सेंटर, मतलब ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट का एक्सेलरेशन वेक्टर है वो इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा, तो ये एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। सेम वे अगर मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट लूँ तो उसके सामने कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जो एक्सेलरेशन का वेक्टर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आए और कैंसिल आउट करे। सेम वे यहाँ पे कोई अगर पॉइंट ले लूँ तो एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर, ये भी एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल करेंगे। वैसे ही सर्कल में हर एक ऑपोजिट पॉइंट्स की जो पैर ले लो आप, तो दोनों की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे सभी वैक्टर्स का आप अगर एडिशन करो तो आपको नल वैक्टर मिलेगा, ज़ीरो वैक्टर। ठीक है, और ये सिर्फ पॉसिबल है किसके लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग था क्योंकि सिर्फ बोला गया था सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4.20 का सॉल्यूशन देखते हैं। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, चलो पोजीशन आपको पता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप। क्वेश्चन है, देखो फाइंड वी एंड ए ऑफ द पार्टिकल।
तो ए करके हम यहाँ पे वेलोसिटी पहले फाइंड कर लेते हैं। चलो वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, dr बाई डी टी की हेल्प से। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर दो तो 3 एज इट इज़ t का डिफ्रेंशिएशन 1 मतलब 3 आई कैप माइनस टी स्क्वायर का होगा 2t। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4t बन जाएगा और ये j कैप और कांस्टेंट जो है उसका हो जाएगा 0। हैंस वेलोसिटी आपको मिलेगा 3i कैप माइनस 4t j कैप इक्वेशन 1। ये हो गया वेलोसिटी का काम। अभी काम करते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो 0i कैप आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, माइनस 4t की वैल्यू 1, ये j कैप। क्लियर? तो एक्सेलरेशन आएगा वो माइनस 4j कैप इक्वेशन 2। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है तो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जो बी पार्ट है उसमें आपको बोला गया है कि टी इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसकी डायरेक्शन मतलब हम एंगल थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो एकदम इजी है। फ्रॉम इक्वेशन वन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा, देखो। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी वेक्टर ढूंढ निकालो। तो यहाँ पे 3 माइनस 4t है ना, तो 3i कैप एज इट इज माइनस 4 और t की जगह पे रख देना है 2, ये j कैप हो गया। तो 3i कैप माइनस 8 j कैप, 3i कैप माइनस 8 j कैप। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64, तो अंडर रूट आया 73 और अंडर रूट 73 मतलब 88.54 मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड मिला। अब डायरेक्शन की बारी। चलो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, थीटा फाइंड करना है। और थीटा मतलब क्या होता है, टेन इनवर्स वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे आएगा माइनस 8/3। ठीक है, टेन इनवर्स माइनस 8/3, माइनस को बाहर निकाल लो और 8/3 मतलब 2.667 और उसको नेचुरल टेन में देख लोगे तो माइनस 69.45 डिग्री। चलो यहाँ तक क्लियर है। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.21। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड विथ वेलोसिटी। समझना, वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, उसका एक्स कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मोशन है उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है 0, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है 10। इधर हम सारे वाई कंपोनेंट्स लिखेंगे, इधर सारे एक्स। ठीक है, एकदम इजी रहेगा। फिर मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को भी हमने एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन क्या है ए करके। एट वॉट टाइम द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स ऑफ द पार्टिकल, ओके, एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए 16 मीटर और तब तक टाइम क्या होगा। उसके बाद क्वेश्चन, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, मतलब उसी टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। चलो इतना काम पहले फिनिश कर लेते हैं। पूछा क्या है वो समझो।
एक्स कंपोनेंट कौन से टाइम पे 16 होगा। तो सिंपल सी बात है, एक्स का फॉर्मूला लगा दो, वी नॉट एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब वी नॉट, तो वी नॉट का एक्स कंपोनेंट क्या है, ज़ीरो। देखो यहाँ पे, ओके टाइम हमें फाइंड करना है, प्लस हाफ ए एक्स हमें 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 रख दो, यहाँ पे टी स्क्वायर कर दो, और एक्स इक्वल टू यहाँ पे आपको दिया हुआ है 16। तो यहाँ पे आपको टी स्क्वायर जब आप करने जाओगे, देखो ये 16 इक्वल टू 4 टी स्क्वायर बचेगा सिर्फ, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 बचेगा और टी इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 सेकेंड। चलो टी इक्वल टू 2 सेकेंड मिल गया। अब उस टाइम पे हमें क्या फाइंड करना है, वाई कंपोनेंट। तो वाई इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर में सिर्फ वैल्यू रख दो। चलो वी नॉट वाई कितना है 10, इंटू टी कितना है 2 प्लस हाफ ए वाई, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट 2 इंटू टाइम। टाइम का कोई कंपोनेंट नहीं होता क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, तो टाइम है 2 और उसका आप यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हो, तो ये आपको मिल जाएगा 24 मीटर। एकदम इजी है, देखो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दोगे, कैलकुलेशन एकदम इजी बन जाएगा। ओके चलो बी देखते हैं, बी पार्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। तो बी में आपको स्पीड फाइंड करनी है एट दैट टाइम, मतलब 2 सेकेंड पे। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट फाइंड कर दो, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट प्लस ए एक्स इंटू टी, वी इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू ए एक्स इंटू टी करना है, प्लस ए एक्स इंटू टी। ओके अब वी नॉट एक्स, वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट क्या है, एक्स डिरेक्शन में 0, तो यहाँ पे 0। ए एक्स क्या है 8, तो ए एक्स इंटू टी मतलब 8 इंटू टू, ये क्या आया 16 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का आपको मिल गया एक्स कंपोनेंट। अब फाइंड करना पड़ेगा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, तो वो वी नॉट वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी नॉट वाई क्या था 10 और ए वाई क्या है 2, तो यहाँ पे बनेगा 2 इंटू टू, तो ये बनेगा 14 मीटर पर सेकेंड। अब आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर रूट क्या करोगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 14 स्क्वायर, 256 प्लस 196 आएगा 452, और उसका अंडर रूट करोगे अप्रोक्सीमेट 21.26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है चलो, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2.4.21 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं 4.22। आई एंड जे आर यूनिट वैक्टर्स अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन ऑफ द वैक्टर आई प्लस जे आई माइनस जे। समझो तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि इनको एक वैक्टर को नाम दे देते हैं। अब वेक्टर को नाम क्या देंगे, तो ए वेक्टर ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है, इसीलिए लेट पी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप और क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। यहाँ सभी कैप्स हैं बट अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है। ओके तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन, सबसे पहले पी वेक्टर की बात करते हैं। फॉर वेक्टर पी हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलो सबसे पहले हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड वेक्टर पी की बात कर रहे हैं, फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। चलो मैग्नीट्यूड पी कैसे फाइंड करोगे, अंडर रूट ये जो कंपोनेंट्स है उनका स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये आपको मिल जाएगा रूट 2।
चलो पी का मैग्नीट्यूड मिल गया, अब फाइंड करते हैं डिरेक्शन। तो डिरेक्शन क्या आएगा, थीटा। थीटा इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट, मतलब पी का वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय पी का एक्स कंपोनेंट, ये बनेगा टेन इनवर्स वन बाई वन। तो टेन इनवर्स वन मतलब कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू होती है वन, टेन 45 की वैल्यू होती है वन, ठीक है। तो यहाँ पे डिरेक्शन भी मिल गई, और ये 45 डिग्री किसके साथ है, विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ भी वही एंगल बनेगा, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। अब सेम हमें करना है फॉर वेक्टर क्यू, चलो वेक्टर क्यू के लिए सेम थिंग रिपीट करो यहाँ पे। चलो वैल्यू ऑफ वेक्टर क्यू क्या रहेगा, तो यहाँ पे वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर, क्योंकि आई कैप माइनस जे कैप दिया हुआ है, बट फिर भी आंसर तो सेम रहेगा, क्योंकि नेगेटिव वन का स्क्वायर तो पॉजिटिव वन आएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट टू। और आपको डिरेक्शन फाइंड करनी है थीटा, तो थीटा बनेगा टेन इनवर्स क्यू का वाई कंपोनेंट डिवाइड बाई क्यू का एक्स कंपोनेंट, मतलब ये टेन इनवर्स माइनस वन डिवाइड बाई वन, तो यहाँ पे आएगा माइनस 45 डिग्री, क्योंकि माइनस बाहर निकाल लोगे। अब माइनस 45 डिग्री का मतलब समझो कि एक्स एक्सिस के साथ ही है, बट यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो ये पॉजिटिव डिरेक्शन है एंगल के लिए, क्लॉकवाइज जाओ तो नेगेटिव डिरेक्शन है एंगल के लिए, मतलब एक वेक्टर है वो आपका इधर है आई कैप जे कैप वाला, मतलब इधर प्लस वन इधर भी प्लस वन, इसलिए प्लस आई कैप प्लस जे कैप हुआ। दूसरा वेक्टर इधर है तो उसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है इसलिए प्लस आई कैप है, और वाई कंपोनेंट नेगेटिव है इसलिए माइनस जे कैप है, और ये जो एंगल बनता है वो माइनस 45 डिग्री है। अगर पॉजिटिव में लिखना है तो यहाँ से इस तरफ इतना लिखो, समझो कि यहाँ पे अगर कोई वेक्टर है और ये आप माइनस 45 डिग्री लिख रहे हो, बट आपको पॉजिटिव डिरेक्शन में एंगल लिखना है, तो आप यहाँ से इस तरफ इतना लिख सकते हो। अब टोटल एंगल होता है 360, उसमें से 45 माइनस कर दो, जो बचेगा वो आंसर, मतलब ये 315 डिग्री आप लिख सकते हो पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे आप अदरवाइज करके लिख सकते हो, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है, और करके लिख सकते हो 315 डिग्री पॉजिटिव, बट चलेगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डिरेक्शन ऑफ I प्लस जे एंड I माइनस जे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ I प्लस जे, along the direction of vector p, तो वो हमें क्या मिलेगा समझो, वो मिलेगा a cos theta, वो मिलेगा a cos theta, ये पूरा component है, ये component को ही हम क्या बोलते हैं a cos theta, वही तो हमें find करना है, और वो यहाँ पे बनेगा a vector dot p vector divided by p का magnitude। अब ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है 2i प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, ओके, और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, i कैप प्लस j कैप के साथ, और डिवाइड बाय p की वैल्यू मतलब रूट टू। तो यहाँ पे x x कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन करो, डॉट प्रोडक्ट हमें पता है, तो 2 इंटू 1 करना है, ठीक है, ओके। और देखो यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट आप अभी तक नहीं सीखे हो तो यहाँ पे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है, मतलब हम
मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो वे से कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब इसको बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और इसको बोला जाता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अभी हमें सिर्फ इतने की ज़रूरत है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसके लिए क्या याद रखोगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और अगर ए वेक्टर आपको ऐसे दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर आपको ऐसे दिया हुआ है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो आप ए डॉट बी ऐसे कर सकते हो। ए डॉट बी में क्या करना है समझो, कि यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है ना, तो यहाँ पे आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल बनता है ज़ीरो, इसीलिए जब उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब कॉस ज़ीरो इक्वल टू वन आएगा, तो वो चलेगा, ठीक है। बट मैं आई कैप का मल्टीप्लिकेशन जे कैप के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक्स डिरेक्शन है, एक्स एक वाई डिरेक्शन है, एंगल बन जाएगा 90 डिग्री और कॉस 90 बन जाएगा ज़ीरो। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने जाऊँ तब भी मुझे आंसर मिलने वाला है ज़ीरो। इसीलिए सेम डिरेक्शन वाले कंपोनेंट का ही आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। मतलब यहाँ पे क्या करोगे आप, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए एक्स के साथ बी एक्स का मल्टीप्लिकेशन, सेम वे ए वाई के साथ बी वाई का मल्टीप्लिकेशन, सेम वे ए जेड के साथ बी जेड का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक चीज़ और आपको बोला जाए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, इसका मतलब क्या हुआ समझो, कि सपोज एक वेक्टर है यहाँ पे ए, बाद में वो न्यूमेरिकल पे हम आते हैं, पहले मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन कर दूँ। ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, या तो इसको ए दे देते उसको बी नाम दे देते, चलो। तो ये हो गया वेक्टर ए और यहाँ पे जो है वो वेक्टर बी। आपको ये ढूंढने को कहा गया है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, मतलब ये वाला कंपोनेंट आपको फाइंड करना है। तो अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो मैं ये कंपोनेंट को ए का कॉस थीटा कंपोनेंट बोल सकता हूँ, ये तो आपको आता है। तो मतलब ए कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो गया, तो वो एक कंपोनेंट है किसका, वेक्टर ए का, कौन सी डायरेक्शन में, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। समझ में आया, अब वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ए का कंपोनेंट चाहिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए कॉस थीटा ही करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे ए कॉस थीटा करना है तो ए और कॉस थीटा अलग ले लो, तो ये जो बी है वो कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा ये इक्वेशन में इधर, तो मुझे मिलेगा ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, समझ में आया। सेम वे अगर मुझे कंपोनेंट ऑफ फैक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए कहा गया होता तो यहाँ पे आता बी कॉस थीटा, यहाँ पे ए डॉट बी डिवाइड बाय ए, समझ में आया। ओके, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है और इसकी हेल्प से ये इक्वेशन बना है। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ यहाँ पे क्या करोगे, आई आई कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 × 1 करोगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर दिया 2 × 1, फिर प्लस दो, फिर प्लस 3 × 1, क्योंकि वाई कंपोनेंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, डिवाइड बाई रूट 2 तो है ही, तो ये मुझे मिल गया 5 / √2, बस ये आंसर, ठीक है। ओके, अभी सेम कैलकुलेशन हमें
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्यू के लिए करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमने लिखा है वो पूरा कॉपी कर देते हैं। आपको दूसरी बार लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्यू। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए कॉस थीटा ही फाइंड करना है, बट इस बार यहाँ पे आएगा ए डॉट क्यू डिवाइड बाई क्यू। अब ए डॉट क्यू में यहाँ पे सिर्फ आएगा माइनस डिवाइड बाई रूट टू एज इट इज़ रखना है, तो यहाँ पे थ्री इंटू क्या होगा, माइनस वन होगा। यहाँ पे थ्री का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस वन के साथ, तो ये आएगा माइनस वन बाई रूट टू आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो माइनस वन बाई रूट टू मिलेगी, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन याद रखना डॉट प्रोडक्ट के लिए, और डॉट प्रोडक्ट है वो चैप्टर नंबर 6 में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.23। क्वेश्चन नंबर 4.23 देखो, यहाँ पे कहा है फॉर एनी आर्बिट्ररी मोशन इन स्पेस, कोई भी टाइप की मोशन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू। देखो किसी भी टाइप की मोशन मतलब क्या, किसी भी टाइप की मोशन मतलब क्या, कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो वी एवरेज इक्वल टू वन बाई टू वी वन प्लस वी टू, वी एट टी वन प्लस वी एट टी टू। देखो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू वी एवरेज इक्वल टू, हम फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टू कर सकते हैं, बट ओनली फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है ऐसा नहीं कहा गया है, क्योंकि कोई भी मोशन के लिए इक्वेशन सही है वही हमें यहाँ पे ढूंढने हैं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन रॉन्ग है। सेकेंड इक्वेशन वी एवरेज इक्वल टू चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम ऑलवेज सही रहेगा, तो ये राइट है। थर्ड, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन की बात आई, मतलब ये जो पूरा इक्वेशन दिया हुआ है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। अब एक्सेलरेशन अगर कॉन्स्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है। मतलब इन शॉर्ट जो इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ रिलेट करेगा वो यहाँ पे रॉन्ग होगा। यहाँ पे भी देखो ये फॉर्मूला है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसा, तो ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए था, तो ये भी रॉन्ग। और एवरेज एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हर एक टाइप की मोशन के लिए सही है, तो यहाँ पे सिर्फ b एंड e ये दोनों सही है, बाकी सारे गलत हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.24। रीड ईच स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस एंड एग्जांपल्स इफ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ये भी आपको खुद से करना है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन प्रोसेस, तो ये रॉन्ग है, स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज कंजर्व्ड नहीं रहती, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन इन इलास्टिक कोलिजन्स। अब इन इलास्टिक कोलिजन्स आपको नहीं पता होगा क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, तो आप ऐसे सिर्फ लिख सकते हो कि सपोज़ कोई एक ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही है और वो पाथ है वो, उसके पास कोई ना कोई फ्रिक्शन है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और वो कंजर्व्ड नहीं है। एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंड, कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, तो ये भी रॉन्ग है, स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, ठीक है। कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। अब कोई भी ले लो, सपोज पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। चलो, स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट मस्ट बी डायमेंशन लेस, तो ये भी रॉन्ग है, स्केलर क्वांटिटी के डायमेंशन हो सकते हैं,
जैसे एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, बट उनके डायमेंशंस हैं, ठीक है। हाँ मे बी डायमेंशन लेस होता तो सही होता, बट मस्ट बी मतलब ये कंपलसरी हो गया। अब कंपलसरी डायमेंशन लेस हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। ओके, डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि सपोज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो प्लेस टू प्लेस वेरी होता है, स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी प्लेस टू प्लेस वेरी तो होता है। अब क्वेश्चन नंबर ई, हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विथ डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ एक्सिस, अलग अलग एक्सिस से आप देखने की ट्राई करो, सेम वैल्यू मिलेगी, तो ये सही है। क्योंकि अगर अलग अलग पोजीशन से अगर आपको अलग अलग वैल्यू नज़र आ रही है, मतलब उसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ अ स्केलर डज नॉट वेरी फॉर ऑब्जर्वर्स विथ डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ एक्सिस, क्लियर। ओके, अभी सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन नंबर 4.25 का। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3400 meters, चलो हाइट क्या दी हुई है 3400 meters, ये हाइट है अबव द ग्राउंड। इफ द एंगल सबटेंडेड एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वर, एक मिनट, इफ द एंगल सबटेंडेड एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजिशन 10 seconds अपार्ट इज 30 degrees, तो टाइम ड्यूरेशन कितना है 10 सेकेंड और एंगल कितना बन रहा है 30 degrees। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, हमें क्या फाइंड करना है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम पहले डायग्राम देख लेते हैं कि सपोज ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक पोजीशन से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनिशियली प्लेन यहाँ पे था और यहाँ पे पहुँचा और ये कुछ ज़्यादा ही हाइट पे था 3400 meters, ठीक है। ओके, और ऑब्जर्वर है वो सपोज यहाँ पे था, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, और एक एंडिंग पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P, एक एंडिंग पॉइंट को नाम दे देता हूँ Q, ये एंडिंग पोजीशंस ऑफ क्या है प्लेन, और इतना डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगाया है, इतना डिस्टेंस कवर करने में 10 सेकंड्स लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये डिरेक्शन और ये डिरेक्शन में एंगल कितना सब्सटेंड हुआ है, तो एंगल बना है 30 degrees, ये एंगल कितना बना 30 degrees, ठीक है। और ये क्या है, तो ये हाइट है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको हाइट दी हुई है, अब आपका टारगेट क्या है, ये PQ फाइंड करना, आपका टारगेट रहेगा PQ फाइंड करना। चलो PQ फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो ये जो एंगल है उसी की हेल्प ले लो, हाइट है उसकी हेल्प ले लो। तो मैं अगर यहाँ पे एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लूँ, समझो कि मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लूँ और ये जो पोजीशन है उसको हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं, चलो तो ये जो P एंड Q के बीच में जो मिड पॉइंट हमें मिल रहा है वो हम ले लेते हैं R। तो ये इतना डिस्टेंस, सॉरी इतना एंगल क्या बनेगा 15 degrees, है ना। अब 10, 15 degrees ले लो, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब PR डिवाइड बाय OR, PR हमें फाइंड करना है और 10, 15 degrees की वैल्यूज़ ले लोगे आप बाद में, अभी हम यहाँ पे ऐसे ही रख देते, और OR मतलब हाइट दी हुई है ना, और
हाइट है 3400, यहाँ पे मैं हाइट एच रखता हूँ। चलो पी आर क्या मिला, एच इंटू टेन 15 डिग्री, एच इंटू टेन 15 डिग्री, ठीक है। तो ये मिला मुझे पी आर। अभी मुझे चाहिए P से लेके Q तक का डिस्टेंस, तो पी क्यू डिस्टेंस चाहिए तो 2 इंटू पी आर करना पड़ेगा, डबल है तो यहाँ पे करना पड़ेगा 2H 10 15 डिग्री। चलो 2H कितना है 3400 और 10 15 डिग्री की वैल्यू है 0.268, ठीक है। नेचुरल 10 में देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये बना 1822.4 मीटर। चलो डिस्टेंस मिल गया तो अभी स्पीड मिल सकती है। चलो स्पीड v इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस मिल गया तो स्पीड इजीली मिल जाएगी आपको। डिस्टेंस कितना है 1822.4 डिवाइड बाय टाइम क्या है 10, तो ये मिला आपको 182.24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये आंसर राइट है। कोई कोई जगह पे आपको ऐसा दिया हुआ होगा कि जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस करके, बट ये हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, 1822 इज नियरली हाफ ऑफ 3400, मतलब ज़्यादा स्मॉल नहीं है, हम वेरी 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 स्मॉल नहीं ले सकते, मतलब इसको आर्क कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये डिस्टेंस इतना भी छोटा नहीं है, ठीक है। तो टेन थीटा की हेल्प से आपको ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ओके चलो, तो यहाँ पे हमारा मतलब चैप्टर 4 है वो फिनिश हुआ, ठीक है। चैप्टर 4 फिनिश हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको चैप्टर 5 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, क्लियर। और अभी तक जितना कराया है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, रिटर्न प्रैक्टिस कर लो और देख लो कि कितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।